सुकन्या समृद्धि योजना में अब और भी मजा आएगा, क्योंकि भारत सरकार ने इसमें 0.40 यानी कि 0.40% ब्याज दर बढ़ा दी है। यानी पहले 8.1 ब्याज दर की जगह अब 8.5 यानी कि 8.5% ब्याज दर मिलेगी, जिसके साथ में ही आपको 32,000 रुपए से लेकर 3,90,000 रुपए तक का अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, यानी एक्स्ट्रा ब्याज आपको मिलेगा। बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत 4 दिसंबर 2014 को सुकन्या समृद्धि योजना 9.1% ब्याज दर से शुरू की गई थी, जो कि 8.1 ब्याज दर पर पहुंच गई थी ब्याज दर घटते घटते, लेकिन अब वापस से इसकी ब्याज दर बढ़ने लगी है, जिसके 0.40 यानी कि 0.40 बढ़ने से अब 8.5% हो गई है। ये उन लोगों के लिए करारा जवाब है, उन लोगों के लिए करारा तमाचा है जो बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ स्कीम के तहत जो सुकन्या समृद्धि योजना चलाई गई थी उसको एक विफल और असफल योजना बता रहे थे, उसके ऊपर नेगेटिव विचार दे रहे थे कि यह योजना एक दिन बंद हो जाएगी या फिर इसकी ब्याज दर घटते घटते 5 पे पहुंच जाएगी 6 पे पहुंच जाएगी, तो यह नुकसान का सौदा है। उन सभी लोगों के लिए भारत सरकार ने एक बार फिर से इस पर ब्याज दर बढ़ाकर, जो कि यह ब्याज दर 1 अक्टूबर 2018 से दिसंबर 2018 तक अभी कायम रहेगी, उसके बाद में फिर इस पे रिवीजन होगा और फिर ब्याज दर डिसाइड की जाएगी। इस तरह से हर 3 महीने में इसकी ब्याज दर डिसाइड की जाती है, हर स्कीम की जाती है। यही एक स्कीम नहीं है, इसके साथ में ही पीपीएफ, किसान विकास पत्र, नेशनल सेविंग स्कीम, विभिन्न छोटी छोटी बचत योजनाओं की सभी की ब्याज दर अलग अलग डिसाइड की जाती है, इनकी हर 3 महीने के लिए फिक्स की जाती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप ये अतिरिक्त ब्याज से कितना फायदा होगा आपको, कि 0.40 यानी कि 0.40% से आपको कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, कितना पैसा जमा करने पर आपको अतिरिक्त ब्याज मिलेगा, उन सब की सारी डिटेल मिलेगी आपको इसी चैनल पे। देखते रहिए टेक एंड सी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन उस पर क्लिक करें, जो घंटे वाला बटन है इसको दबाना ना भूले, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले आपको। तो फ्रेंड्स, बड़ी हुई ब्याज दर से आपको सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर कितना ब्याज एक्स्ट्रा मिलेगा, तो फ्रेंड्स देखिए, पहले 5,46,977 रुपए मिलते थे 8.1 से 1,000 रुपए जमा करने पर, वहीं पर अब 8.5% से ब्याज दर मिलेगी 5,78,168 रुपए, वहीं पर आपको लगभग 31,191 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। वहीं पर पहले आप 2,000 रुपए जमा करते थे 8.1% से, तो आपको मिलता था 10,93,954 रुपए, वहीं पर अब 8.5% की दर से 11,56,336 रुपए मिलेगा, यानी कि 62,382 रुपए आपको ज्यादा मिलेगा। वहीं पर अगर आप 5,000 रुपए जमा करते थे 8.1% से, तो आपको मिलता था 27,34,886 रुपए, वहीं पर अब आपको 8.5% से 28,90,848 यानी कि 1,55,962 रुपए ज्यादा मिलेंगे। वहीं पर बात करें कि इस स्कीम की जो सर्वाधिक और ज्यादा जो ज्यादा से ज्यादा आप जमा कर सकते हैं वो 1.5 लाख रुपए है, यानी कि 12,500 रुपए पर मंथ के हिसाब से जमा करते हैं आप, तो 68,37,216 रुपए मिलते हैं 8.1% की दर से। वहीं पर 8.5% की दर से आपको 72,27,102 रुपए यानी कि 3,90,886 रुपए ज्यादा मिलेगा। ये इस स्कीम की खास बात है कि अब ब्याज दर बढ़ने से आपको ज्यादा फायदा मिलने वाला है। वहीं पर इस स्कीम से जुड़े कुछ सवाल मैं आपको बता देता हूं। सुकन्या समृद्धि योजना लड़की के कानूनी या प्राकृतिक अभिभावक ही खोल सकते हैं, एक लड़की के नाम पर एक ही खाता खुल सकता है, दूसरी लड़की के नाम पर दूसरा खाता, मैक्सिमम 2 ही खाते खुल सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाता लड़की के जन्म की तारीख से 10 साल की उम्र तक खोला जा सकता है, खाता खोलने की तारीख से 15 साल के लिए हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं। खाता खोलने की तारीख से 21 साल पूरा होने या खाता मैच्योर हो जाता है, एक बार खाता मैच्योर होने के बाद आप अर्जित ब्याज के साथ मैच्योर राशि वापस ले सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना को मैच्योर होने तक लगातार ब्याज मिलता रहता है, यदि संबंधित लड़की खाते से पहले विवाहित हो जाती है तो शेष राशि वापस ले सकती है, बशर्ते उस समय लड़की की उम्र 18 साल हो। मैच्योर राशि वापस लेने के लिए लड़की एकमात्र अधिकृत व्यक्ति है। यह बचत योजना पूरी तरह टैक्स फ्री होती है। अगर अकाउंट में पेमेंट करने में किसी भी तरह से देरी हो जाती है तो आपको 50 रुपए मात्र पेनल्टी के साथ में आप दोबारा जमा करा सकते हैं। इस योजना के साथ में मैंने इसी पर बहुत से वीडियो जो है, अगर आपके डाउट हो या कमेंट हो या फिर कोई सवाल हो तो आप मेरे पुराने वीडियो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, इससे बेटियों के पढ़ने से लेकर शादी तक का पूरा खर्च इसी स्कीम के तहत हो जाएगा। आप अपनी हिसाब से अपनी बचत के हिसाब से इस योजना में निवेश कर सकते हैं, इसके साथ में एक अच्छा निवेश भी है। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू फ्रेंड्स।